प्रोटीन एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एथलीटों के लिए, और ये एक बहुत मेजर कंपोनेंट है हमारे मसल मास को बढ़ाने के लिए और हमारे परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। इसलिए हमको पता होना चाहिए प्रोटीन का इंटेक्ट कैसे करें और कितना मात्रा में करें। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे। तो चलिए पहले हम देखते हैं हम लोग प्रोटीन कहते हैं किसको हैं, व्हाट इज़ प्रोटीन। तो देखिए प्रोटीन हमारा जो हम खाते हैं, मतलब हमारे जो 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसके अंडर में आता है, जैसे कि फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। प्रोटीन एनर्जी बढ़ाने में काम नहीं आता है, प्रोटीन हमारे मसल मास को बढ़ाने में काम आता है और मसल रिकवरी में काम आता है। तो इज़ ओनली फॉर मसल बिल्डिंग एंड मसल रिकवरी, ठीक है। प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, प्रोटीन फ्रॉम फूड एंड ड्रिंक, प्रोटीन फ्रॉम सप्लीमेंट, जो हम सप्लीमेंट खाते हैं और जो हम लोग दिन भर में खाते हैं उस सबसे मिलता है, ठीक है। अब मेन टॉपिक पे आते हैं, हम लोग तो सही ट्रेनिंग कर लिए, अब कितना प्रोटीन इंटेक करें जो हमारा मसल ग्रोथ हो, ठीक है। तो देखिए हम लोग अब कितना प्रोटीन इंटेक करेंगे, कैसे करेंगे, जैसे हम लोग मैक्सिमाइज द मसल ग्रोथ को हम लोग रेस्पॉन्स करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वीडियो पे। हम जितना सोर्स बताएं प्रोटीन का वो सब मिला के हम लोग को टोटल डेली प्रोटीन इंटेक कितना करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग इस बात में बात नहीं करेंगे कि प्रोटीन का टाइमिंग कितना होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन इस वीडियो में कवर नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग को कवर करना है कि हम लोग को प्रोटीन कितना सही मात्रा में लेना चाहिए कि हमारा मसल ग्रोथ हो, ठीक है। तो इसमें मतलब साइंटिफिक भी बहुत प्रूफ है कैसे लेना चाहिए, तो हम आपको साइंटिफिक वे में बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा अच्छा से देखिएगा और देखिए जैसे इला ग्राफ में भी इसका प्रूफ है साइंटिफिक वे में, जो इस तरह अगर आप लोग प्रोटीन इंटेक करते हैं तो आप लोग का मसल ग्रोथ होगा, ठीक है। आपका जितना वेट है आप उसको 1.5 से कर दीजिए इनटू, और जितना आएगा रिजल्ट उतना ही आपको चाहिए प्रोटीन, तभी आपको कुछ होगा बेनिफिट, ठीक है। इला नॉर्मल के लिए, और अगर आप कुछ हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं जो हम लोग हमारे एथलीट करते हैं उनको 20-30 ग्राम मोर प्रोटीन लेना चाहिए, और अपने गोल के हिसाब से आप प्रोटीन इंटेक को बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो, कि आपको कितना लेवल तक आप हो और किस लेवल के लिए कितना प्रोटीन चाहिए उस हिसाब से आप प्रोटीन ले सकते हो, ठीक है। और देखिए प्रोटीन अगर आप खरीद के खाएंगे सप्लीमेंट तो ये बहुत महंगा आता है, क्योंकि इस सबको एक्सट्रैक्ट करने में बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी लगता है इनको एक्सट्रैक्ट करने में, इसलिए इनका रेट बहुत है। तो अगर आपको चीप प्रोटीन सोर्स के इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या क्या खाए क्या क्या नहीं खाए, जो हमारे घर में ही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका वीडियो बना देंगे, ठीक है। ओके बाय, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।